नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा में कार्यरत हूँ। आइए आज हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2007 के बारे में। हमारा आज का एजेंडा है, हम किस प्रकार अपने डेस्कटॉप को कस्टमाइज कर सकते हैं। आइए इस पर बात करते हैं। डेस्कटॉप को कस्टमाइज करने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिनको कोई यूज़र अपने अनुसार व्यवस्थित कर सकता है? इन सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। डेस्कटॉप के किसी भी खाली स्थान पर राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाई देगा, पर्सनलाइज योर डेस्कटॉप। जो ही आप उस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखाई देगा, चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप को व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या क्या ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको आप बदलना चाहेंगे, जिनको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं? आप चेंज कर सकते हैं डेस्कटॉप के आइकन्स, माउस पॉइंटर्स। आप चेंज कर सकते हैं अपने यूज़र अकाउंट का पिक्चर। आप कस्टमाइज कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स को, टास्क बार एंड स्टार्ट मेन्यू को। आइए बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है डेस्कटॉप को कस्टमाइज करते समय, उन पर बात करते हैं। क्या अर्थ है कस्टमाइज योर डेस्कटॉप का? अर्थात अपने डेस्कटॉप में जो भी आइटम्स हैं, जिनको हम आइकन कहते हैं, उनको अपने अनुसार रीअरेंज करना। क्या अर्थ है स्क्रीन सेवर का? स्क्रीन सेवर का अर्थ है एक ऐसी सीरीज जिसमें जब आप अपने कंप्यूटर को आइडियल छोड़ देते हैं, उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं, एक समय अंतराल के बाद कुछ मूविंग पिक्चर्स या टेक्स्ट दिखने लगता है, इसको हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। ये क्या दिखेगा, कितने समय अंतराल के बाद आपको स्क्रीन पर अपीयर होने लगेगा, ये हम अपने अनुसार तय कर सकते हैं। अगर आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं, आपको चित्र में दिए गए रेड सर्कल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है विंडो कलर, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, साउंड सेटिंग, स्क्रीन सेवर। आइए इन पर एक एक करके बातचीत करते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड और विंडो कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप बैकग्राउंड में दिखाई जा रही इमेज को आप अपने अनुरूप बदल सकते हैं, और साथ ही अपनी विंडो का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर है उसमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। आप क्लिक कीजिए डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की इमेज स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें से आप चुनाव कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार किस चित्र को आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं, अथवा कोई अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हैं चित्र में दिखाई दे रहा है। अगर आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर कोई स्वयं की इमेज लगाना चाहते हैं, आप सेलेक्ट योर फोटो या सेलेक्ट लाइब्रेरी, जहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है उसके सामने पर है ब्राउज ऑप्शन, उस पर क्लिक कर सकते हैं और अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड अपने अनुसार चयन कर सकते हैं। अन्यथा जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, इमेजेस दे रखी हैं, उन्हीं में से किसी एक इमेज में क्लिक करने के बाद आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपने देखा, इस प्रकार आप अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर पाएंगे। किस प्रकार हम बदल सकते हैं अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगी इमेज पोजीशन को, वो आप चित्र में देख पा रहे हैं। आप उसको टाइल्स के रूप में लगा सकते हैं, आप उसको सेंटर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, या आप उसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप की साइज़ के अनुरूप आपकी सेलेक्ट की हुई इमेज नहीं आती है, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन का आपको चुनाव करना होगा। साथ ही हमने बात करी थी कि आप स्वयं की इमेज भी इसमें लगा सकते हैं। आप अपने कैमरे से या अपने स्टोरेज डिवाइस पर, आपके पेन ड्राइव पर जो इमेज स्टोर है, ब्राउज पर क्लिक कीजिए और अपने फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, चित्र में दिखाई दे रहा है, और अपना इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप सेव चेंजेस कर सकते हैं। हम बात करते हैं किस तरह हम अपने विंडो के कलर को बदल सकते हैं। क्लिक कीजिए विंडो कलर में, इस तरह आपको चित्र दिखाई देगा। तत्पश्चात
ये कुछ कलर शीट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आप चुनाव कर सकते हैं किस तरह का कलर शेड आप अपनी विंडो में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, या उनके कलरिंग में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कलर में बदलाव करने के लिए आपके सम्मुख चित्र में दिखाई दे रहे स्लाइडर को आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही आप बदल सकते हैं उसके ब्राइटनेस को, कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए भी स्लाइडर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अपने अनुरूप सारी सेटिंग करने के बाद आप सेव चेंजेस बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपके विंडो का कलर चेंज हो जाएगा आपके अनुरूप। यदि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में साउंड सेटिंग में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप साउंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। आइकन को लाल रंग से सर्कल किया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम साउंड सेटिंग का इस तरह का डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसमें आप अपने अनुरूप साउंड में बदलाव कर सकते हैं, उसकी सेटिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप सिस्टम के साउंड में भी बदलाव करने में या सिस्टम साउंड को कस्टमाइज करने में सफल हो पाएंगे। आइए बात करते हैं स्क्रीन सेवर। हमने बात की थी स्क्रीन सेवर क्या चीज़ है। जब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन आइडियल रहती है, आप उस पर कुछ समय के लिए कोई कार्य न करें, तो स्क्रीन पर कुछ चलता हुआ, कुछ मूविंग इमेज या टेक्स्ट दिखाई देता है, उसकी सेटिंग, उसको कस्टमाइज हम किस प्रकार कर पाएंगे, इस पर बात कर रहे हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन सेवर बटन पर क्लिक कीजिए। तत्पश्चात आपको कुछ स्क्रीन इस प्रकार दिखाई देगी। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कौन सा स्क्रीन सेवर अप्लाई है। चित्र में अभी नन लिखा दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कोई भी स्क्रीन सेवर अप्लाई नहीं है। आप इस बटन पर क्लिक करके स्क्रीन सेवर अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है यह स्क्रीन सेवर कितने समय बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, अर्थात चलने लगेगा। वो समय मिनट्स के रूप में दिया गया है, आप उसको बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप स्क्रीन सेवर स्वयं बदल पाएंगे। आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, प्रैक्टिकल कीजिएगा, शायद आप ऐसा कर पाएंगे। स्क्रीन सेवर कितने तरह का हो सकता है, लिस्ट में दिखाया गया है, चित्र में ध्यान दीजिए। आप किसी भी तरह का स्क्रीन सेवर इस दी हुई लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप टेक्स्ट का चुनाव चाहते हैं, 3D टेक्स्ट, उसमें एक सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आपको अपने अनुरूप उसमें टेक्स्ट लिखना होगा, और लिखने के बाद वही लिखा हुआ टेक्स्ट स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल होने लगेगा। तो आपने देखा किस प्रकार हम स्क्रीन सेवर बदल पाएंगे। हम बात करते हैं किस तरह से हम डेस्कटॉप के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। चित्र में दिखाई दे रहा है लाल रंग से सर्कल किया हुआ एरिया, चेंज डेस्कटॉप आइकन। अगर आप चाहते हैं किसी फोल्डर का जो सिंबल है उसको बदलना चाहते हैं, उसको आइकन कहते हैं, तो आप यहाँ से बदल पाएंगे। क्लिक कीजिए चेंज डेस्कटॉप आइकन में। आपको दिखाई दे रहा है सम्मुख किस चीज़ का आप आइकन बदलना चाहते हैं। रिसाइकल बिन का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, किसी फोल्डर का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, माई नेटवर्क प्लेसेस का आइकन आपको दिखाई दे रहा है। किसी भी आइकन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तत्पश्चात आप क्लिक करें चेंज आइकन बटन पर। चेंज आइकन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डिफरेंट आइकन्स दिखाई देंगे। आप किसी भी एक आइकन को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप बदलाव करें। आप क्लिक करें आइकन को चुनाव करने के बाद ओके बटन पर, तो आप पाएंगे कि आपका जो डेस्कटॉप आइकन है जिसको आप बदलना चाहते थे वो बदल चुका है। यदि आप बात करते हैं माउस पॉइंटर की, माउस पॉइंटर में क्या आप कुछ चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, आप चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार कर पाएंगे, उसका क्या स्टेप होगा, उसके क्या सोपान होंगे, आप क्लिक कीजिए चेंज माउस आइकन बटन पर। चित्र में आपको स्टेप्स दिखाए गए हैं। उसके बाद आपको इस तरह का कोई स्क्रीन आपको दिखाई देगा। इसको हम माउस की सेटिंग इस डायलॉग बॉक्स के माध्यम से बदल सकते हैं, उनके बटनों में बदलाव कर सकते हैं। हम क्या क्या अमूमन बदलाव कर सकते हैं, चित्र में दिखाई दे रहा है।
हम माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन बना सकते हैं और राइट बटन को लेफ्ट बटन बना सकते हैं। हम माउस के डबल क्लिक की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम माउस में व्हील चलने वाला बना सकते हैं। जब आप माउस पॉइंटर को मूव करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक लंबी सीरीज उस पॉइंटर के साथ चल रही है। तो माउस पॉइंटर से संबंधित जो भी सेटिंग हैं आप यहाँ से उनको अप्लाई कर सकते हैं। माउस का जो पॉइंटर है उसका सिंबल बदल सकते हैं, किसी और तरह का पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, आप पॉइंटर्स बटन पर क्लिक कीजिए, आपको लिस्ट ऑफ अवेलेबल पॉइंटर्स दिखाई देगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको एरो बटन दिखाई देता है, अगर आप चाहें कुछ और सिलेक्ट करें आपको लिस्ट में दिखाया गया है। तत्पश्चात आप ओके बटन पर क्लिक करें। यदि आप चाहते हैं माउस की स्पीड या उसके साथ व्हील लगाए जाए तो आप माउस ऑप्शन में जा कर के, पॉइंटर ऑप्शन में जा कर के यह सब चीज़ों का भी चुनाव कर सकते हैं। और साथ ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे, आप पाएंगे कि आपके माउस का पॉइंटर कुछ इसी प्रकार का हो गया है। हम बात कर रहे थे किस प्रकार हम डेस्कटॉप के अपने विंडोज 2007 के डेस्कटॉप को अपने अनुरूप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और साथ ही हमने बात करी हम किस तरीके से माउस पॉइंटर या फिर हम बात करें डेस्कटॉप के आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है यह लेक्चर आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। नमस्कार।